सो हाय एवरीवन दोस्तों, आप सबका फिर से एक वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इनवाइट कोलैबोरेटर के फीचर्स को एनेबल कर सकते हो, क्योंकि काफी सारे बंदों के अकाउंट पर एनेबल नहीं होता है और काफी सारे बंदे इस चीज से परेशान हो जाते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर होता क्या है, जैसे आप इंस्टाग्राम पर कोई पोस्ट करते हो, फिर रील्स अपलोड करते हो और आप चाहते हो कि वो हमारे अकाउंट पर भी अपलोड हो जाए और हमारे दोस्त के अकाउंट पर भी अपलोड हो जाए, ठीक है, उसी चीज को हम लोग कोलैब बोलते हैं। अब वो फीचर्स कुछ अकाउंट पर शो नहीं कर रहा है, अब इसके पीछे का कारण क्या है और कैसे आप इसको सही करके अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इनवाइट कोलैबोरेटर के फीचर्स को एनेबल कर सकते हो, आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, तभी आपकी समझ में आएगा। और अगर आपने भी देखा इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों मैं इस चैनल पर आपके लिए इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और साइड में आपको मोबाइल स्क्रीन दिखाई दे रही, तो यहां पर हम सबसे पहले करते हैं भाई, यहां पर आपको सबसे पहले अपने इंस्टाग्राम ऐप को ओपन कर लेना। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो, यहां पर हम इंस्टाग्राम पर आ चुके हैं एंड यहां पर हम सबसे पहले प्लस वाले आइकन पर क्लिक करते हैं। तो गाइस जैसे आप इस पर क्लिक कर देते हो, उसके बाद यहां पर आपके सामने आपकी सभी वीडियोज एंड फोटोज वगैरह आ जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर मैं कोई भी एक फोटो ले लेता हूं, जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर मैंने इस फोटो को सिलेक्ट कर लिया है एंड उसके बाद यहां पर आपको सबसे ऊपर की तरफ एरो का ऑप्शन मिलता है, चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक कर देते हो, उसके बाद यहां पर आपको दोबारा से क्लिक करना पड़ता है एंड यहां पर जैसे ये प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद यहां पर आपको मिलता है टैग पीपल का ऑप्शन, चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। एंड उसके बाद यहां पर आप देख सकते हो भाई, यहां पर इनवाइट कोलैबोरेटर का ऑप्शन अभी शो कर रहा है, लेकिन ये आपके अकाउंट पर शो नहीं कर रहा होगा। तो आपको अपने अकाउंट पर कैसे लेना है, चलिए समझते हैं। इसके लिए मैंने बिल्कुल एक नया अकाउंट बनाया था, उस पर भी सेम प्रॉब्लम थी, यानी उस पर इनवाइट कोलैबोरेटर का ऑप्शन नहीं आ रहा था, ठीक है, और मैं उस पर लेकर आ गया हूं और कैसे आपको लेकर आना है चलिए समझते हैं। ठीक है, तो उसके लिए यहां पर मैं आपको सबसे पहले करते क्या, उसको मैं बैक कर देता हूं एंड यहां पर मैं इसको पूरे तरीके से बैक कर देता हूं। यहां पर आ चुके हम दोबारा से इंस्टाग्राम पर एंड यहां से मैं अपने उसी वाले अकाउंट को लॉग इन कर लेता हूं, उसके बाद मैं यहां पर आपको सब कुछ विद प्रैक्टिकल समझाता हूं। तो भाई जैसा कि आप देख सकते हो भाई, यहां पर हमने उस आईडी को लॉग इन कर लिया है एंड इस आईडी पर भाई आप देख सकते हो 0 फॉलोअर है एंड 0 फॉलोइंग है, ठीक है, यानी यहां पर मैंने सिर्फ एक पोस्ट को यहां पर डाला है एंड इस आईडी पर भाई सेम प्रॉब्लम थी, यानी कि इस अकाउंट पर इनवाइट कोलैबोरेटर का ऑप्शन नहीं आया था। यहां पर आप प्रूफ के साथ देख भी सकते हो, यहां पर इनवाइट कोलैबोरेटर का ऑप्शन आ गया है, ठीक है। अब आपको कैसे लाना है चलिए समझते हैं, चलिए इसको बैक कर देते हैं। यहां पर मैं आपको बताऊंगा भाई कैसे आपको क्या करना होगा, चलिए मैंने पूरा बैक कर दिया एंड यहां पर मैं आपको सब कुछ विद प्रैक्टिकल समझाता हूं भाई कैसे आपको अपनी आईडी पर इनवाइट कोलैबोरेटर के ऑप्शन को लाना है। तो भाई देखिए कुछ ही स्टेप है जो आपको फॉलो करने हैं, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। यहां पर आपको सबसे पहले करना क्या होगा भाई, यहां पर आपको प्ले स्टोर पर आना है। जैसे आप प्ले स्टोर पर आ जाएंगे, सबसे पहली चीज है कि आपको अपने इंस्टाग्राम ऐप को अपडेट कर लेना है। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको अपडेट कर लेना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपका इंस्टाग्राम ऐप अपडेट नहीं होता है, जिसके कारण आपको इनवाइट कोलैबोरेटर का ऑप्शन नहीं मिलता है। जैसे आप इसको अपडेट कर लेंगे, उसके बाद यहां पर आपको इसको ओपन कर लेना है। जैसे आप इसको ओपन कर लेंगे, उसके बाद यहां पर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है। अब यहां पर बात करते हैं कि आपको वो सेटिंग क्या करनी है जिससे आपके अकाउंट पर इनवाइट कोलैबोरेटर का ऑप्शन आ जाए, ठीक है। तो गाइस यहां पर आपको सबसे पहले करना है भाई, यहां पर आपको प्रोफाइल पर क्लिक करना है एंड उसके बाद यहां पर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। यहां पर आपको करना क्या भाई, यहां पर आपको एडिट प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है एंड उसके बाद यहां पर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहां पर आपको नोट नाउ पर क्लिक कर देना है। यहां पर आपको नीचे की तरफ मिलता है स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको अपने अकाउंट को प्रोफेशनल बना लेना है। यहां पर आपको सिंपली स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट पर क्लिक कर देना है एंड उसके बाद यहां पर आपको कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू करना है एंड उसके बाद यहां पर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा एंड यहां पर आपको कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। उसके बाद यहां पर आपको डन कर देना है, जिसे आप डन कर देंगे उसके बाद यहां पर आपके सामने लोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। यहां पर आपको कुछ ही सेकंड लेंगे। अगर आपने ऑलरेडी प्रोफेशनल अकाउंट बना रखा है फिर भी आपका नहीं आया, तो आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए, क्योंकि आगे भी मैं इस वीडियो में आपको कुछ ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आपके अकाउंट पर इनवाइट कोलैबोरेटर का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। यहां पर हम क्रिएटर पर क्लिक करेंगे एंड उसके बाद यहां पर हम इसको नेक्स्ट कर देंगे। जिसे आप इसको नेक्स्ट कर देंगे, उसके बाद यहां पर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहां पर आपको नोट नाउ पर क्लिक कर देना है, उसके बाद आपको आगे बढ़ जाना है। अब यहां पर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ चुका है। अब यहां पर आपको करना है, यहां पर आपको इसको क्लोज कर देना है। इतना काम करने के बाद यहां पर आपका अकाउंट प्रोफेशनल बन जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो, यहां पर अगर आपको प्रोफेशनल डैशबोर्ड शो कर रहा होगा तो आपका अकाउंट प्रोफेशनल बन चुका है, ठीक है। अब यहां पर आपको एक चीज और चेक करनी है, उसकी वजह से भी आपको कई बार इनवाइट कोलैबोरेटर का ऑप्शन नहीं मिलता है, ठीक है। तो यहां पर आपको करना क्या भाई, यहां पर आपको प्लान पर क्लिक कर देना है एंड यहां पर आपको सेटिंग एंड प्राइवेसी पर क्लिक कर देना है। जिसे आप इस पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद यहां पर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहां पर आपको ओके पर क्लिक कर देना है। जिसे आप इस पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद यहां पर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहां पर आपको नीचे की तरफ आना है। जिसे आप नीचे की तरफ आ जाएंगे, अब यहां पर आपको अकाउंट प्राइवेसी का ऑप्शन मिलेगा, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। जिसे आप इस पर क्लिक कर देंगे, यहां से आपको चेक करना है आपका अकाउंट प्राइवेट तो नहीं है, क्योंकि अगर आपका अकाउंट प्राइवेट होगा ऐसे में आप इनवाइट कोलैबोरेटर को यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आपको ये चीज चेक लेनी है, आपका यहां पर कुछ इस तरीके का शो करना चाहिए, यानी आपका अकाउंट प्राइवेट नहीं होना चाहिए। अगर आपका अकाउंट प्राइवेट भी नहीं है लेकिन फिर भी आपके अकाउंट पर इनवाइट कोलैबोरेटर का ऑप्शन शो नहीं कर रहा है, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है भाई, यहां पर आपको इसको बैक कर देना है एंड यहां पर आपको दोबारा से प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है एंड यहां से आपको कोई भी एक फोटो सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहां पर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहां पर आपको ऊपर की तरफ एरो का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है एंड यहां पर आपको दोबारा से एरो पर क्लिक कर देना है। जिसे आप इस पर क्लिक कर देंगे,
उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको टैग पीपल पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो करेगा। यानी मेरे अकाउंट पे तो इनवाइट कोलैबोरेटर का ऑप्शन शो कर रहा है, अगर आपका शो नहीं कर रहा होगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको सबसे पहले एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। जिसे आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको करना क्या, यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको डूडल पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ से आपको इसको हाईलाइट कर देना है। यानी आपको इस एरिया को हाईलाइट कर देना है एंड उसके बाद यहाँ पर आपको राइट निशान पर क्लिक कर देना है। जिसे आप राइट निशान पर क्लिक कर देंगे, अब यहाँ पर आपका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है। उसके बाद यहाँ पर आपको इसको बैक करना है। जिसे आप इसको बैक कर देंगे, यहाँ पर आपको पूरा बैक आ जाना है एंड यहाँ पर आपको प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोफाइल पर क्लिक कर देंगे उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर की तरफ थ्री लाइन मिलता है, सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको सेटिंग एंड प्राइवेसी पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर आपको सबसे नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर आपको हेल्प का ऑप्शन मिलता है तो सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे उसके बाद यहाँ पर आपको सबसे ऊपर की तरफ रिपोर्ट प्रॉब्लम का ऑप्शन मिलता है तो सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर आपको सबसे नीचे की तरफ मिलता है सेक फोन टू रिपोर्ट प्रॉब्लम। चलिए इसको आपको क्या करना है, आपको इसको डिसेबल कर देना है एंड यहाँ पर आपको रिपोर्ट प्रॉब्लम पर क्लिक कर देना है। जिसे आप इस पर क्लिक कर देंगे उसके बाद यहाँ पर आपको इंक्लूड एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जिसे आप इस पर क्लिक कर देंगे अब ये ऑटोमेटिकली स्क्रीनशॉट ले लेता है। तो यहाँ पर आपको करना क्या भाई, आपको इस स्क्रीनशॉट को हटा देना है, ठीक है, एंड यहाँ पर आपको अपलोड पर क्लिक करना है। देन आपको वो वाला स्क्रीनशॉट यहाँ पर आपको ऐड करना है जो आपने स्क्रीनशॉट लिया था एंड साथ ही आपने हाईलाइट भी किया था, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैंने ये वाला स्क्रीनशॉट लिया था तो यहाँ पर मैंने इसको ऐड कर दिया है एंड उसके बाद यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ लिखना है। अब यहाँ पर आपको लिखना क्या है, यहाँ पर आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। अगर आप चाहो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर आप इसके जैसा भी लिख सकते हो। यहाँ पर मैं लिखा है आई एम नॉट एबल टू कोलैब विद एनीवन ऑन माय इंस्टाग्राम अकाउंट बिकॉज दीज फीचर्स आर माय नॉट येट अवेलेबल ऑन माय इंस्टाग्राम अकाउंट, प्लीज ब्रिंग दीज फीचर्स टू माय अकाउंट एज सून एज पॉसिबल। यानी इसका मतलब ये कि मैं किसी के भी साथ अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कोलैब नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ये सुविधा मेरे अकाउंट पर उपलब्ध नहीं है, कृपया करके मेरे अकाउंट पर इसको जल्द से जल्द लाने की कोशिश करें। तो गाइस ये चीज तो आप समझ गए। यहाँ पर आपको करना क्या, यहाँ पर आपको सबसे ऊपर की तरफ सेंड का ऑप्शन मिलता है तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे अब यहाँ पर आपकी रिपोर्ट इंस्टाग्राम टीम के पास जा चुकी है, वो जैसे ही चेक करेंगे, यहाँ पर कुछ टाइम लगता है। इतना काम करने के बाद ये आपको 24 आवर से लेकर 48 आवर के बाद आपको आपके अकाउंट पर ये ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपको ये फिर भी नहीं मिल रहा है तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। हमारे इंस्टाग्राम आईडी वसीम के टैग, जो हमारे चैनल का नाम है, सेम आपको इंस्टाग्राम पर सर्च कर देना है, वहां पर आपको मेरी आईडी मिल जाएगी। आप वहां पर मुझे मैसेज कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भेज सकते हो, उसके बाद मैं चेक करूंगा कि आपकी आईडी में क्या प्रॉब्लम है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि दोस्तों मैं इस चैनल पर आपके लिए इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूं। चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।